दोस्तों, यह हमारा मॉडल सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर का है और इसको हम जो FRP है और इसको बाईपास करेंगे। तो मैंने इसको जब हार्ड रिसेट मारा था तो इसमें FRP जो है वो लग गया, जो गूगल अकाउंट लॉक होता है। तो अपने वॉल को वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों, इसमें हमने सारा कुछ चेक कर लिया, जो कि इसमें ना टाल बैक से हो रहा है और ना कहीं पर एड नेटवर्क पर कहीं से क्लिक करके वहाँ से हो रहा है। तो हम यहाँ से सिंपल से क्या करना है, तो चलिए आपको पहले तो दिखा देते हैं हम आगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, जो FRP लॉग जो कि यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है, जो कि इस मोबाइल पे जो पहले ऑलरेडी पड़ी होती है वही आईडी मांगता है। अगर आपके पास आईडी होती है तो आप डाल करके खोल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यह दूसरा प्रोसेसर करना पड़ता है। तो चलिए, हमारा जो एक सिम है और हमने इस पर लॉक लगा के रखा है, चलिए ये बिना एक्टिवेट है और आप कोई भी सिम डाल सकते हैं, बस उसमें सिम लॉक होना चाहिए, चाहे आपका सिम एक्टिवेट हो या फिर ना हो। तो चलिए हम इस सिम को यहाँ पर डाल लेते हैं अपने मोबाइल पर, और चलिए डाल करके बस इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो कुछ फास्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा जो मोबाइल पर है जो सिम लॉक है वो मांग रहा है। तो चलिए हम यहाँ से पहले देखते हैं और सिम को रिमूव करके बटन दबा करके रखेंगे, देखते हैं वैसे आता है कि नहीं। तो चलिए, जो हमारा सिम है और हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तुरंत, और तुरंत करके और पावर बटन को 2 बार प्रेस कर, 1 बार प्रेस करेंगे, चलिए अभी रिमूव नहीं किया और रिमूव कर दिया, 1 बार प्रेस करके छोड़ देंगे, दोबारा प्रेस करके रखे रहेंगे। दोस्तों, मैंने यह मेथड किया लेकिन यह मेथड सक्सेस नहीं हुआ, और तो मैंने, चलिए इसको चेक करते हैं, और ये वाला जो मेथड है ये नहीं हुआ। तो अब हमको क्या करना है, अपने मोबाइल को दोबारा से ऑफ़ करना है, और चलिए हम अपने जो सिम है उसके सही तरीके से दोबारा से लगा लेते हैं। आप दोस्तों, आपको दूसरा यहाँ पर मेथड यूज करना है, जो कि यह 100% वर्क करेगा। दोस्तों, यह वाला जो मेथड है आपको एक बार में नहीं आ सकता है, शायद एक बार में भी आ सकता है, और आपको 2 से 3 4 बार कोशिश करना पड़ता है कई बार, और उसके बाद अगर जब अच्छी तरीके से आप सही टाइमिंग पर आप अपनी जो बटन है उसे प्रेस करेंगे तो आपका 100%। तो यहाँ से जो अभी दिखाते हैं, चलिए किया तो नहीं आया, तो चलिए दोबारा सब फिर हम बस क्या करते हैं, अपनी बैटरी को ऑफ करके दोबारा करते हैं, अपना पासवर्ड डालेंगे जो डाला था, बस ओके वाली बटन दबाएंगे, ओके बटन जोखन दबाएंगे, उसके तुरंत ही पावर बटन को दबा देना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं जो आ चुका है, मैंने भी कुछ वीडियो कट कर दिया है, जो कि ज़्यादा आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो मैंने कई बार, कम से कम 5 6 बार मैंने करा, तब जाके ये ऑप्शन आया, और ऊपर से स्लाइड करेंगे, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और फिर आप ऐप से नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और ऊपर को स्लाइड करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, यूट्यूब होगा या यूट्यूब गो का जो ऑफ सबसे नीचे एप्लीकेशन मिलेगा, तो चलिए यूट्यूब गो का एप्लीकेशन है, और इसको ऊपर करके सी से नीचे जाते हैं, मोर सेटिंग इन ऐप्स, देन इसके बाद अबाउट पर क्लिक करते हैं, फिर यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो ब्राउज़र है वह ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम सिंपल सा यहाँ पर हम एक वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं, चलिए बस आपको यहाँ सिंपल डालना है FRP फाइल, बस इतना डालकर बस आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर वाला ही जो लिंक दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा, जो कि यहाँ पर अब आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और चलिए हम यहाँ से गूगल अकाउंट मैनेजर 8 को डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए, बीच में कुछ ऐड आ गया है, चलिए हम यहाँ से कर करते हैं, तो अलाउ कर देते हैं, और जो हमारा गूगल अकाउंट मैनेजर 8 है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए हम इसको बैक करते हैं। दोस्तों, यह बैक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने फिर यहाँ से सीधा बैक गया दोबारा से लिंक पर क्लिक करके, अब दोबारा से दूसरा जो एप्लीकेशन, एक तो हमारा डाउनलोड हो चुका है गूगल अकाउंट मैनेजर, और FRP सॉरी जो बाईपास FRP एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम डाउनलोड स्टोरी में जाते हैं अपने,
यहाँ से जो हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका, गूगल अकाउंट मैनेजर डबल बार डाउनलोड हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चलिए गूगल अकाउंट मैनेजर को पहले मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए जो हमारा गूगल अकाउंट मैनेजर है यह इंस्टॉल हो रहा है, और इसको इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको डन करना है। और चलिए इंस्टॉल हो चुका है, और डन हो जाने के बाद आपको FRP फाइल है और इसको FRP बाईपास वाला एप्लीकेशन इसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बेस्ट तरीके से वीडियो बना के देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली अच्छी तरीके से समझ सकें, ताकि अपना लॉग जो है उसे आप खोल सकें। तो चलिए हमारा जो एप्लीकेशन यह ओपन कर लिया, और ब्राउज़र साइन इन पर क्लिक करके, और देन यहाँ पर आपको अपने मोबाइल पर जो आपका कोई ईमेल आईडी जैसे नया है बनाना चाहे तो नया डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑलरेडी अगर ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से हमारा एप्लीकेशन जो हमारी ईमेल आईडी है, चलिए हम यहाँ से डाल लेते हैं। चलिए वीडियो को कुछ फास्ट कर देते हैं, और चलिए हमने अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके साइन इन पर भी क्लिक कर दिया है। तो बस आपको अब कुछ नहीं करना, बस आपको अपने मोबाइल को देन यहाँ से रिबूट कर लेना है, यानी पावर ऑफ करके दोबारा से इस अपने मोबाइल को ऑन कर लेना है। तो चलिए हम अपना यहाँ मोबाइल और हमारा ऑन हो रहा है, तो चलिए कुछ वीडियो को फास्ट कर देते हैं। और चलिए जो हमारा मोबाइल है और ओपन हो चुका है, तो चलिए हमने सिम निकालने के लिए भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से अपना पासवर्ड डाल लेंगे और इसको अनलॉक कर लेंगे, और देन अब यहाँ से हम अपने मोबाइल को नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से वाईफाई मांग रहा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका FRP डिवाइस निकल चुका है लेकिन मैंने सिम डाल के रखा है, और उसके देन चलिए हम यहाँ से वाईफाई को कनेक्ट हो रहने देंगे, और बस आपको यहाँ से नेक्स्ट करते जाना है। और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो मोबाइल का लॉक है वो इजिली खुल चुका होगा। और अगर दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप शुरुआत से वीडियो ये देख सकते हैं, और क्योंकि इजिली तरीके से मैंने बताया 100% जो आपका लॉक है वो खुलेगा, ज़रूर से ज़रूर खुलेगा। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और तो देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल है वो इजली से बाईपास हो चुका है, और चलिए देन हम यहाँ से नेक्स्ट पे जाते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, और जो हमारा देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा पूरा फिनिशिंग हो चुका है, ऑल डन। एंड जो हमारे मोबाइल का जो FRP बाईपास यानी सॉरी जो हमारा जो मोबाइल में गूगल अकाउंट लॉक जो FRP होता है वो इजीली से बाईपास हो चुका है। तो चलिए यहाँ से आपको जैसे जैसे सेटिंग करता जा रहा हूँ वैसे आपको कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्कीप कर लेते हैं यहाँ से, देन यहाँ से कुछ एप्लीकेशन आएंगे कि मांगता है डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो चलिए हम इसे यहाँ से अनटिक कर देते हैं। अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं यहाँ से जो आपको एप्लीकेशन ज़रूरत हो, नहीं तो हम सीधा से फिनिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं जैसा कि हमारे मोबाइल का जो FRP लॉक है वो बाईपास हो चुका है। जो तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था FRP बाईस वो उसको भी अनइंस्टॉल कर देंगे। अगर आप अपनी ईमेल आईडी ये रखना चाहते हैं इस मोबाइल पर तो रख सकते हैं, नहीं तो